रोल मानू सर, आज जो सुभाष चौकी स्थित पुलिस चौकी तोड़े जाने का मामला है, क्या मामला है और किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर? आज देवास जिले के कोतवाली थाने में एक अपराध अभी पंजीबद्ध किया गया है और इसमें बीती रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस सहायता केंद्र जो सुभाष चौक देवास जिले का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पुरानी जीर्ण छीर्ण पुलिस सहायता केंद्र था, उसका नवनिर्माण हो रहा था, उसको तोड़े जाने का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल मेरे द्वारा घटनास्थल का सुबह भ्रमण किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वो फुटेजों के आधार पर इसमें हमारे जिले की माननीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और शिव शर्मा जो शिव पात्र भंडार चलाते हैं जी, इनके अलावा अन्य दो तीन जो है व्यक्ति, उनके विरुद्ध धारा 353, 506, 427, 34 IPC एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 में ये अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर ऐसी जानकारी है कि कल भी सांसद जी से आपके आने इसी बात को लेकर आपसे हार्ट अटैक हुई थी? नहीं, कल मेरे इस विषय पर माननीय सांसद जी से फोन पर इस विषय पर कोई बात नहीं हुई है। कल एक वाक्या जरूर हमारे प्रकाश में आया था कि वो निर्माणाधीन चौकी जब बन रही थी वहाँ हमारे सब इंस्पेक्टर पवन और दो आरक्षक वहाँ थे, तो माननीय सांसद जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनके साथ उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। सर किस तरह की धारा है ये, गिरफ्तारी होगी, जमानती धारा है या कुछ? अभी हमने अपराध इसको पंजीबद्ध किया है और वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जा रहा है और इसमें आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। सर कल भाजपा का आंदोलन है, उसमें जिसका नेतृत्व तो सांसद जी कर रहे हैं, इसके आपके सामने आंदोलन होगा वो, तो उसमें क्या रहेगा क्योंकि आरोप लिए सांसद जी, तो क्या गिरफ्तारी होगी उनकी उस समय? अभी आज हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इस अपराध को पंजीबद्ध करने के बाद मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में अवगत करा रहा हूं और कल चूंकि किसान आक्रोश आंदोलन है उस संबंध में दोनों दलों द्वारा कल आंदोलन किया जाएगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम लोग पूरी तरह से तैयार है, अभी हमने फ्लैग मार्च भी निकाला है, हमको बाहर जिला अतिरिक्त बल भी मिल गया है और इसमें जो समय रहते हुए जो बेहतर बेहतर हमको जो इसमें मिलेगा इनपुट हम उसमें काफी करेंगे। ठीक, थैंक यू।